बताया भाई साहब, उधर उधर बताया, उधर 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 उधर। आप भाई साहब के सामने तो नहीं ना करते होंगे? बताया भाई साहब, जरा करते हैं जी भाई साहब गुस्सा। किसी भी इधर गाइस, किसी भी लड़के से पूछे अंदर ले जाए भाई को, बोले कैमरा ठीक है, पूछे और बताए कि कौन गुस्सा। अच्छा पढ़ते हो? किस क्लास में? और आप? वेरी गुड। नलायक हो या लाइक हो? अच्छा अब ये देखें, वो सारी जो है वो खराब हो गई है। आप वॉल पेपर लगवाने का क्या मकसद होता है? मेरे भाई फिर वो, अगर मैंने गोला लगवाना होता तो मैं वॉल पेपर क्यों लगवाता, बताएं आप मुझे। आप जैसे कारीगर आदमी है माशाल्लाह, आपको तो ये बातें जेब ही नहीं देती जो आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी कल का जो है भाई बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी, तो आके फिर मैं सो गया था, आराम किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने आपको दिखाया था, हमने जो है वो लकड़ी का काम करवाया था, काउंटर बनवाए थे, और इस तरफ जो है वो एक नई अलमारी हमने बनाई है, आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू अरावल हमने लगाया है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने भाई ज़रूरी काम जो हमने दूसरा करवाना है वो है लाइटिंग वाला काम, इलेक्ट्रिशियन वाला काम। तो भाई इलेक्ट्रिशियन आज आ चुका है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिशियन भाई आ गए हैं, इन्होंने जो है अपना सामान शामान लाइटें शाइटें ये लेकर आ गए हैं। ये भाई साहब कैसे हैं आप? ओ भाई साहब कुछ नहीं होता? नहीं मैं बनाता ही नहीं है। नहीं बनाते आप? नहीं, चलो कोई नहीं। अच्छा बताएं ये लाइटें शाइटें लगा दी हैं आपने? नहीं मैं लान लगाऊं आपको? नहीं ये आपने नहीं लगाई हैं, ये उतारी हैं, ये खराब हो गई हैं जी। अच्छा गाइस ये लाइटें जो है वो खराब हो चुकी थी, तो इनको उतरवा के ये नई वाली लाइटें हमने फिक्स करवाई हैं जो आप देख सकते हैं ये ऊपर सारी, क्योंकि शॉप में जो है वो लाइट जो है बहुत कम थी, तो कुछ लाइटें जो थी ये भी ख़राब हो चुकी थी। अब ये देखें ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये सारी लाइटें हमने उतरवाई हैं और सारी जो है वो नई लगवा रहे हैं। अब मैंने एक और चीज़ सोची है कि ये जो जगह खाली बची हुई है ना, इधर भी सारी लाइटें जो है वो लगवा दी जाएँ, ताकि अब जो है शॉप में रोशनी कम होने की वजह से फिर वो एक लुक नहीं बनती। अब इधर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये देखें ना ये सारे ये खाली हैं, इन सब पे जो है इंशाल्लाह आज सारी लाइटें लगवा देनी है, ताकि भाई दुकान जो है शॉप पूरी जगमग हो जाए, जब भी कस्टमर शॉप में आए तो उसको जो है वो अच्छा लगे, और आप जब भी शॉप में आएँ तो आपको जो शेड्स हैं वो ओरिजिनल नज़र आ सकें, क्योंकि जब लाइट कम या ज़्यादा होती है उसकी वजह से वो फिर थोड़ा सा इशू आता है। तो आज सारा ये काम करवाएँगे, उसके बाद भाई ऊपर वाला कारखाने वाला भी है काम, उधर भी थोड़ी सी जो है वो लाइटें चाहिए लड़कों को, जहाँ पे लेबर होती है हमारी, उधर का भी काम इंशाल्लाह करवाना है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमने करवाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो आगे मैं चल के दिखाता हूँ आपको। वो ये काम है कि हमारे पास ये था वो न्यू काउंटर जो हमने बनवाया है, आप ये चेक करें, मैंने आई थिंक शायद पिछली आपको वीडियो में भी दिखाया था ये चीज़। ये सारा इधर से जो सारी लगी हुई थी, वायरिंग हुई हुई थी, इसको हमने सारा उतरवाया है। अब इस जगह पे बैक पे जो है वो वॉलपेपर लगेगा, क्योंकि ये काउंटर की मेन जगह ये बैक साइड पे आती है, इस जगह पे वॉलपेपर लगवाना है। तो वॉलपेपर वाले बंदे से भी बात कर ली, वो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो भाई आज ये सारा दिन इन चीज़ों को मैंने कवर करना है, तो इंशाल्लाह जैसे वो आता है वॉलपेपर वाला फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। समीर भाई कैसे हैं? समीर भाई आज लेट आए हैं, क्या बात भाई लेट क्यों आए? क्या अपना वो आगे से साफ करो, निशान लगे हुए हैं कैमरे के। चले आप तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, आप ये वीडियो सही दिखाओ। अच्छा चलो ठीक हो गए भाई। क्यों भाई साहब? समीर भाई जरा तो आपको पता थोड़े से गुस्से में रहते हैं, गुस्से में भाई हमें गुस्से में बना दिया, लेकिन खैर है इंशाल्लाह भाई। अभी जो है अपने काम की तरफ चलते हैं, और जैसे ही वो बंदा आता है, अभी ये इलेक्ट्रिशियन वाला भाई काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा आएगा। इधर भाई इधर कैमरा मैन, आपने देखा इससे गुस्सा मेरा? बताया उधर 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 उधर। आप भाई साहब के सामने तो नहीं ना करते होंगे? करते हैं जी भाई साहब गुस्सा। किसी भी इधर गाइस, किसी भी लड़के से पूछे अंदर ले जाए भाई को, बोले कैमरा ठीक है, पूछे और बताएं कि कौन गुस्सा करता है। चले जाए चले जाए ठीक हो गया। समीर भाई आप तो गुस्सा कर गए हैं, आप सीरियस ले गए मेरी बात। गाइस समीर भाई थोड़ा ज्यादा सीरियस ले गए, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा यार ये पट्टियाँ नहीं चल रही होती, ये जो मतलब है कि लाइटिंग अभी तो ये नज़र नहीं आ रही ना, जो ऊपर जो लगी होती है ना पट्टियाँ, एक बड़ी सी पट्टी चल जाए उसके अंदर जो है मेन कनेक्शन आ जाएगा, और उसके साथ जो है वो एक एक आपने आठ चार चार पाँच पाँच फुट के फासले पे एक तार नीचे लंबी लटकानी है, उसके ऊपर जो है एक बल्ब लग जाएगा, ताकि जो भी वर्कर उधर बैठे मशीन पर अपना लाइट जलाए वो और अपना बैठ के काम करे। बात समझ आई है? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब कोई बैठेगा अपना स्विच चलाएगा, जब उठेगा अपना स्विच बंद कर देगा।
उससे लाइट की भी बचत होगी और फालतू लाइटें भी जो है ना वो नहीं जलेंगे। ठीक है ना, तो आए मैं एक दो आपको ऊपर दिखाता हूँ, एक दो आप विजिट कर लें। ओके जी गाइस, इंशाल्लाह ऊपर वाला जो काम है ये वाला तो सारी लाइटें हमने लगा दी हैं इधर भी और उधर भी, तो अभी मैंने बंद करवा दी हैं लाइटें। भाई बिजली बहुत महंगी है, सुबह के टाइम तो गुजारा चल जाता है, रात को ये आपको मैं चला के दिखाऊंगा। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जो मेन हमारा काम है वो भी एक दफ़ा भाई को समझा देते हैं, थोड़ा बहुत समझा दिए बाकी ऊपर एक दफ़ा दिखा देते हैं, फिर इंशाल्लाह वो कम्प्लीट करके उसके बाद वॉलपेपर वाला भी आ रहा है अपना सामान वो ये रख के। ये देखें आप, ये अपने वो ग्लू शलू ये वो रख के चला गया और वो आता है तो इंशाल्लाह उसको भी आपको दिखाते हैं वॉलपेपर लगवा के। हाँ जी आ गया भाई वॉलपेपर वाला। इसके काउंटर के ऊपर यार कोई चीज डाल दो गंदा ना हो जाए। नहीं फिलहाल अभी यही वॉलपेपर ही जाने दें। वॉलपेपर ही होता है ये वाला जी। तो गाइस ये वाला वॉलपेपर जो है वो सिलेक्ट किए, ये चेक करें, ये लाइट जो है ना सिल्वर कलर है। अच्छा ये ठीक रहेगा काउंटर के साथ ना, मैच हो जाएगा उस काउंटर के साथ इसका कलर। फाइबर जो है वो ठीक यार, नहीं फाइबर शाइबर नहीं, ये बेस्ट है। मुक्के झुके होगी बॉक्सिंग है। वाह अच्छा, और नहीं यार ये ठीक है, ये सही है, ये चल जाएगा गुजारा इसका, कोई नहीं मसला। भजन ये कितनी देर में लग जाएगी, कितना टाइम लग जाएगा इसको? सर छिलन दे दे रे बस। अच्छा सर बाकी लाना ही होने अधी को ध्यान लगेगी छिलन दी दे रे है। माल्टा माल्टे से माला माल्टे दे पैड़ा। अच्छा जी ठीक हो गया, माल्टा ते छिलन तो बाद खाई दे ते है की करी दे ए लाई दे ठीक हो गया। ओके जी गाइस ये था वॉलपेपर आ गया, अभी इंशाल्लाह वॉलपेपर लगवाएंगे और उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो है वो नमाज का टाइम हो गया है, चलते हैं नमाज पढ़ के आते हैं इंशाल्लाह, फिर आके वापसी देखते हैं कि भाई ने कितना वॉलपेपर लगा दिया। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है और यहाँ पे मुझे दो बच्चे मिले थे, उन्होंने जो है मुझे देख लिया था ब्लॉग बनाते हुए, अब उन्होंने कहा भाई हमें भी ब्लॉग में लें, अब ये सामने खड़े हैं। आ जाओ। हाँ जी क्या नाम है आपका? हाँ जी बोले आप कन्फ्यूज हो गए हैं। हाँ जी आपने भी आना है? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हाँ जी आपका नाम? और क्या करते हैं आप तीनों? अच्छा अच्छा पढ़ते हो? जी पढ़ते। किस क्लास में? मैं सिक्स। और आप? वेरी गुड। नलायक हो या लाइक हो? तुम भी टॉप करते हो? गाइस आप चेक कर लें, भाई कह रहे हैं टॉप करते हैं, अब मुझे नहीं पता लेकिन भाई लाख पढ़ने वाले हैं बच्चे। और ठीक है फिट हो? ओके ओके। चैनल का नाम है समीर हसीब ब्लॉग्स, समीर हसीब ब्लॉग्स, ठीक है सर्च करना, ये आपकी कल अपलोड होगी। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के शॉप पे वापस आ चुका हूँ और अब देखते हैं चल के कि भाई कितना काम कर लिया है वॉलपेपर वाले ने। लगा तो हुआ भाई, ये था जी वॉलपेपर, ये देखें जी ये चल रहा है। हाँ जी कैसे लोग दे रहे? लग तो अच्छा रहा है, बाकी एक दफ़ा फाइनल जब भी लगेगा तभी पता चलेगा। भाई साहब लग तो प्रोफेशनल रहे हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं भाई। कितना अरसा हो गया भजन काम करते हुए आपको? 5-6 साल हो गए। ये इसके अंदर वट क्यों पड़ रहे हैं इस जगह पे? चले जाएंगे। अब ये देखें वो सारी जो है वो खराब हो गई है। आप वॉल पेपर लगवाने का क्या मकसद होता है? भाई मैंने इसकी कहा आप गोला लगवा। मेरे भाई फिर वो अगर मैंने गोला लगवाना होता तो मैं वॉल पेपर क्यों लगवाता, बताएं आप मुझे। ठीक है आप जैसे कारीगर आदमी है माशाल्लाह, आपको तो ये बातें जेब ही नहीं देती जो आप कर रहे हैं। अब यही अगर आप इसको पहले जमीन पर रख के कटिंग करते और फिर इसके बाद आप इसको लगाते तो ये कभी भी ना होता।
आप ये देखें ना कितनी ये बुरी लग रही है, ये सारी इधर से पेंट उतरा हुआ है। तो वॉलपेपर का तो मकसद ही ये है कि इधर से जो है ना इसकी खूबसूरती लाना, ना कि इसको गंदा करना। ये काम होना था तो आप मुझे पहले बताते। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, देखे ना, तो बड़ा बुरा लग रहा है यार। अब इसका क्या हाल है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, 100 रुपए का गोला मिलता है, 150 का होगा, ज्यादा नहीं। फैंसी जो गोले होते हैं वो ऐसे सीधा लगेगा, ठीक है, किलो हल्का हल्का लगेगा, कील लगेगी, बस खूबसूरती की खूबसूरती बन जाएगी। देखिए आपने पहले, आपने एक दफा इसको अभी भी तो आपने ये काटा है ना, आप यही अगर पहले नीचे काट लेते ना। एक मिनट बात, ये जो कंपनी साइड थी ना वो मैंने नीचे रखी, जो कटिंग वाले, अब मैं नीचे ये साइड लाता तो आपने कहता है यार ये क्या किया। मैं आपको कह रहा हूँ आप नेक्स्ट के लिए भी इस चीज को रखें, आप प्रोफेशनल बंदे हैं, ऐसी काम आप पहले इधर जमीन पे रखते। मैंने नीचे कटिंग कर ली है। तो कर लिए तो आप स्ट्रेट काटते पहले इसको। क्यों नहीं कटता यार? कैंची के साथ स्टेट। तो आपके पास औजार होने चाहिए जो स्ट्रेट काटने वाले। इससे लगवा ले यार, ये तो काम आपने मजेदार नहीं किया वैसे ना, डिसअपॉइंट किया आपने। नहीं नहीं, ये जो है ना काम अच्छा है ही नहीं यार। गाइस ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो है ना वॉलपेपर यहाँ पे लगवाया था तो भाई साहब कहते हैं यहाँ पे जी अब गोला लगेगा, तो ये सारा जो है ये जहाँ से कलर उतर गया, ये सारा जो है ना, क्योंकि वो उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ख़राब थी, तो मैंने कहा कि इसको जो है वो सेट करें। अब सेट करने की बजाय ये सारा जो है ना ऊपर ये कलर सारा उतर गया। तो क्या ऐसे इसका असल तरीका होता है? अगर आप सब में से भी कोई बात जानते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भाई मुझे तरीका समझा रहे हैं कि जी इधर गोला लगवा लें, तो गोले वाला काम ठीक है, ये तो भाई ने जुगाड़ लगाया है, तो कमेंट करके ज़रा ज़रूर बताएं। ये देखें जी, ये सारा वॉलपेपर लगाया है, इसकी खास फिनिशिंग नज़र नहीं आ रही, बाकी देखते हैं कुछ तो होगा। तो ये इसके अंदर बट तो निकले नहीं, आप कह रहे थे बट निकल जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? नहीं ये ग्लू की वजह से आ रहे हैं। गाइस आप ये चेक कर सकते हैं, ये सारे इधर ये बबल आ रहे हैं, तो भाई साहब कहते हैं जी ये ग्लू की वजह से आ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही मुझे, तो भाई समझ नहीं आई ये चीज़ भाई की लॉजिक क्या दे रहे हैं। ये चीज़ इधर लगी हुई है, ये देखिए ये सारा यहाँ से कलर उतर गया, ये देखिए ये सारा जो है ना ये उल्टा खूबसूरती की बजाय जो ये बुरा लगने लग गया। भाई ने तो हमें जो है ना अब गोले पे क्या कट रखा दिया है, भी देखते हैं गोला लगवा के क्या सीन बनता है, लेकिन ऐसी जगहों पे गोला बनता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और ये चीज़ आप भी कभी करवाएं तो इस चीज़ को पहले जो है आप चेक करें, ताकि जब एक चीज़ लग जाती है ना उसके बाद आप जो है वो कह नहीं सकते। हर बंदे ने आपको सिर्फ मुतमिन ही करना है ये चीज़। अब ये जो ख़राब हो गई है ना सारी लाइन बॉर्डर, तो अब ये सारी इसकी जो है ना खूबसूरती डल हो गई है। यार जब इस तरह से ये लोग काम करते हैं ना तो यार दिल को थोड़ा सा दुख होता है कि यार पैसे भी जो है ना दे रहा बंदा, और फिर जो है वो काम भी अपनी मर्ज़ी का ना हो ना, तो यार मज़ा नहीं आता। अब पैसे इन्होंने पूरे लेने होते हैं कि पैसे हमारे जो है ना बिल्कुल कम ना करें, लेकिन काम हमने अपनी मर्ज़ी का करना है। यार ये ऐसे तो काम नहीं होते ना यार, मैं अब क्या कह सकता हूँ। अब वो तो वो ख़राब खरूब करके वो चला गया कि भाई मैं मेरे पैसे दे मैं तो जा रहा हूँ। तो यार ये चीज़ अगर हमसे हमारे से ख़त्म हो जाए ना, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि यार कौन है यार हमसे आगे, कोई भी नहीं जा सकता। हम जो है ना काम में अपना 100% अगर दे दें तो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। खैर क्या कह सकते हैं, चलें अभी खाने का वक्त है, खाना खा के फिर आपसे मिलता हूँ। One hour later. तो गाइज एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, पार्सल आया है मेरा जो है वो आउट ऑफ सिटी से आया है। मैं चेक करता हूँ उस पार्सल में है क्या, मैंने खोल के नहीं देखा, समीर भाई ने कुछ मंगवाया था मुझे तो ये पता नहीं है। आए ज़रा एक दफ़ा वो पार्सल खोल लेते हैं, चेक करते हैं उसमें है क्या। ये देखिए ये है जी पार्सल आया हुआ है, अभी इसमें पता नहीं है कि है क्या। इसको ज़रा मैं बाहर ले कर चलता हूँ, इसको लड़के बाहर ले कर, ये बाहर ले कर गाइस इसको चेक करता हूँ मैं इसमें है क्या, क्योंकि आज ये पार्सल मेरे पास रिसीव हुआ है। क्योंकि हमने जो है पार्सल जब भी कोई आता है तो उसको एक दफ़ा टैली करना होता है। नहीं नहीं उधर नहीं, उधर ले चल लड़के, उधर ले चल, उधर पीछे ले चल भाई, ज़्यादा ही गुस्सा करके आगे ले आया उठा के हैं, जान शान फिट है बच्चे में। भाई इधर ही, इधर ही बाबा, ठीक ठीक है लड़के, इसको ज़रा खोलो इसमें है क्या, ज़रा ये चेक कर लें।
सूरज इसको याद रख, खोलो इसमें है क्या। यार ये डब्बा में लगता है, इसके अंदर भी कुछ है भाई, इसके अंदर भी कुछ है, ये चेक करता हूँ मैं। ये है क्या, ये क्या है, क्या है? अरे यार ये तो बटन है। अरे भाई ये तो बटन है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस आप चेक करें, समीर भाई ने क्या आराम से आराम से आराम से समीर तो भी फट जाएंगे। ये चेक करें भाई, लाइट्स ऑन करें यार, ज़रा तुम लाइट्स ऑन करिएगा। ये चेक करें गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें गाइस, आपने भी आपको नहीं पता ऐसे ही भेज दिया, बगैर पेमेंट के भेज दिया। क्या बात है समीर भाई, आपका माशाल्लाह जो है ना सिस्टम ज़बरदस्त है। गाइस ये चेक करें जी, पूरे सरगोधा में इंशाल्लाह इस तरह की बटन की वाइड रेंज इंशाल्लाह कहीं पे आपको नहीं मिलेगी सिवाय ख्यातुल अजम के। ये चेक करें, ये सारे लेटेस्ट क्वालिटी के बटन हैं। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। एक ये शॉपर पूरा भरा हुआ है, एक ये शॉपर भरा हुआ है, एक ये शॉपर भरा हुआ है, एक ये वाला शॉपर भरा हुआ है। ये समीर भी जरा खोल के जरा दिखाएं जरा हमारे देखने वालों को। यार वेरी गुड यार, मेरे मेरे पीछे तूने मीम बना दिया, ये तो वो सी सीन हो गया भाई। बटन ये चेक करें गाइस, बटन्स की क्वालिटी चेक करें। ये जड़े चुक चुक के मार देने ना चवर इंसान अतार उठ गया। क्या बात, क्या बात। ये देखिए ओ आराम से समीर भाई, आराम से, राम राम से, राम राम से। ये चेक करें, क्या बात। तो गाइस ये तो हमारे जो है वो बटन्स के पार्सल आया है। तो जी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बटन हैं, बटन हमारे आ चुके हैं। तो गाइस तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह फुल है, आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ें चेक करें, क्या बात है, ये बिल्कुल फैंसी वैरायटी, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। आप इसमें प्रिंस कोट बनवाएं, आप वेस्ट कोट बनवाएं, शेरवानियाँ बनवाएं। ये पड़ी हुई है, ये शेरवानी गोल्डन कलर में, ये एक पीछे प्रॉपर जो है वर्क में। और ये चेक करें गाइस, ये बिल्कुल एक लेटेस्ट चीज़ है। क्या बात है, क्या बात है। ये ऑफ वाइट के लिए बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके नीचे बोस्की का क्रीम सूट हो तो, और साथ में ये प्रिंस कोट हो, निकाह का इवेंट है, बारात का इवेंट है, लेवल हो जाएगा भाई, इंशाल्लाह लेवल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको भी आइडिया हो सके भाई ख़यातुल अजम पे कैसी टॉप क्वालिटी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्योंकि आपका भाई शौक़ से काम करता है, एक ही शौक़ है कपड़ों का, अच्छे बनवाने का और अच्छे पहनने का। तो जी ये चीज़ थी। अभी मैं और समीर भाई और हमारे साथ एक और हमारे समीर भाई के दोस्त हैं। जी समीर भाई, फिर है प्लान कोई नहीं इंशाल्लाह। हमारे जो ये समीर भाई के दोस्त हैं, मियाँ साहब क्या हाल है, ठीक है? ये मियाँ साहब हैं, इनकी जो है बर्थडे आज, तो समीर भाई ने इनको जो है बोला कि आज की बाहर जाएंगे। तो जी आज इंशाल्लाह निकलते हैं बाहर, अभी ये सारी चीज़ें समेट के फिर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, आ जाए। ओके तो गाइस अभी निकलते हैं, समीर भाई ने और हमने प्लान बनाया कि अब जाएंगे कहीं जगह, कुछ खाने पीने का प्लान है। तो मियाँ साहब बैठे हैं आप, ओ मियाँ साहब आगे बैठे हैं, ओ यार आपकी बर्थडे है मियाँ साहब, आप बैठे हैं, मियाँ साहब की है आज बर्थडे। तो जी अभी निकलेंगे कहीं, कुछ खाने का प्लान है, तो चलते हैं और देखते हैं। आपको उधर जाके उनसे खाता हूँ। जी तो गाइस अभी आए हैं, कुछ सजी का प्लान बना था समीर भाई का, तो समीर भाई कहते हैं सजी खाने जाना है, मैंने कहा चलो अभी आ जाओ, अभी चलते हैं इंशाल्लाह। अब्दुलमान था, हाँ भी तू भी आ गया, किस पे आए हो? मैं घर जाना सी। बाइक पे थे तुम? गाइस अभी आए हैं इधर, तो इंशाल्लाह यहाँ से सजी खाते हैं मैं और समीर भाई, हमें तो यहाँ की सजी बहुत पसंद है। आज मियाँ साहब भी साथ आए हैं। जी मियाँ साहब क्या खाना पसंद करेंगे? सजी खाएंगे जो पड़ता है। सजी ठीक है, सजी ऑर्डर कर दें फिर, सजी का प्लान है इंशाल्लाह, सजी का ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ऑर्डर लेना हमारा पसंद करेंगे एक सजी कर दें और सजी और सजी आपको पराठे लेकर अंदर मिक्स ही कर दें।
चावल अलग लेके आना है या दूसरे चावल डालना है? ऊपर सब्जी रख देना ठीक है। और वो क्या जो उसका अलग चावल कितने मंगाते हैं? एक प्लेट अलग, एक प्लेट अलग ले लीजिए चावल, उसके मिक्स नहीं करनी, अलग लेके आना ठीक हो गया। और रायता स्टार्ट करना, एक रायता करते स्टार्ट है। अच्छा भैया वो ना उस पर जो आप डालते हो ना वो ना डालना, किशमिश। हाँ वो किशमिश किशमिश डालना। थैंक यू। ठीक हो गद्रमान, और तो नहीं कुछ खाना? A few moments later. ले जी गाइस हमारी सज्जी आ गई है, ये चेक करें जी क्या बात है। सज्जी को देख के तो जो है ना भूख लग जाती है यार। गद्रमान ये सज्जी आपकी फेवरेट है? चले जी अब आ चुका है खाना, मुझे वो भी दे दो। खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको ट्राई करते हैं जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था, खाना मज़े का था। तो अभी इंशाल्लाह घर निकलेंगे क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह घर जाएंगे, जाकर रेस्ट करते हैं। तो ये था सारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। करता हूँ यहीं पे इंशाल्लाह व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।